आप जितने भी साथी हैं आप उनसे संपर्क करो, सिर्फ बातों से वजूद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, सिर्फ बातें करने से और शायरी सुन के हुल्ला करने से या हाथ खड़े करने से वजूद की लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती, उसके लिए आपको संख्या बल यहाँ पे लड़ना होगा। आपके संख्या बल को देख के महापंचायत के अंदर जो लोग आमजन जो किसान नेता यहाँ पे आएंगे वो फैसला लेंगे, और अगर अपना संख्या बल यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है तो वो सीएम को यहाँ पे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को अपना संख्या बल यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम खुद मजबूत नहीं है, आप खुद बताओ, अगर हम खुद मजबूत नहीं है तो क्या दूसरा अपनी लड़ाई आके लड़ लेगा क्या? क्या बिना नींव के मकान खड़ा हो जाते हैं क्या? तो पहले नींव मजबूत करो, दीवार अपने आप बनके हमारे जो साथी कल अपने पास आए हैं वो छत डालने का काम करेंगे, दीवार बनने का काम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को अपनी नींव मजबूत करनी होगी। आप सभी साथी यहाँ पे मौजूद हो, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, सरपंच, पंच, सभी को आपने फोन किया है, सभी साथी एक बार उनको फोन फिर करके याद दिलवाओ कल शहीद स्मारक पे 10 बजे उनको पहुंचना ही पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे। आज शाम को जितने भी साथी आप यहाँ पे बैठे हो सभी अपने साथियों को फोन करोगे, अपने सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि आपके संपर्क के अंदर है उन सभी को फोन करके यहाँ पे बुलाओगे।